नया कश्मीर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किस तरह से वहां इस्लाम डेवलप हुआ और किस तरह से वहां हिंदू भाग रहे हैं। नया कश्मीर कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड फ्रंटियर रीजंस इंक्लूडिंग पूछ एंड चिनाई इलाक्स कॉमनली नोन एज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इन ऑर्डर टू परफेक्ट आवर यूनियन इन द फुलेस्ट इक्वेलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन टू रेज आवर सेल्फ एंड आवर चिल्ड्रन फॉरएवर फ्रॉम द एवॉइस ऑफ ऑपरेशन एंड पॉवर्टी डिग्रेडेशन एंड सुपरजिशन मिड एवल एशिया टू प्रपोज द प्रोपाउंड द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली एंड ओनली जम्मू एंड कश्मीर, उसका कोई भी भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं। और किस तरह से चेंज किया अपने स्टैंड को, जब मैंने आपको बताया सर कि वो महाराजा हरि सिंह ने जो चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखने के बाद शेख अब्दुल्ला साहब ने भी एक चिट्ठी लिखी 26 सितंबर 1947 को, और उन्होंने लिखा कि आप जो है हमारी मदद के लिए आए। और मदद के बाद जब भारत सरकार वहां पहुंची तो कांग्रेस की गलतियों के कारण सर, क्योंकि इसमें मैं नेहरू लियाकत पैक्ट की भी बात करूंगा और जो उन्होंने वो पैक्ट है उसके बारे में बात कराऊंगा। एक रिजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन में 13 अगस्त 1900, जिसके बारे में 370 के बारे में बात होती है और बात होती है कि हम किस तरह से भारत सरकार उस पर लागू नहीं हो सकते हैं। एक तो उस रिजोल्यूशन ने 13 अगस्त 1948 का जो यूएन का रिजोल्यूशन है वो ये कह रहा है कि सीज फायर का ऑर्डर किया उसने कि दोनों पार्टी जो है वो सीज फायर करें। दूसरा उसने कहा सर कि एज द प्रेजेंस ऑफ ट्रूप्स ऑफ पाकिस्तान इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर कंस्टिट्यूट ए मेटेरियल चेंज इन द सिचुएशन सिंस इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अखबार हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई मंत्री ने बाहर बताया नहीं, ये ऐसा पॉलिटिकल आरोप करना उचित नहीं है। एक काम करना पाप है क्या? काम करना पाप है क्या?